देश के आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्र फिल्म प्रमाण बोर्ड ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। फिल्म निर्माता के लिए सभी फिल्म निर्माता व निर्देशक को सख्त आदेश दिया गया है। 2022 और 2023 के दौरान फिल्म या किसी भी टेलीकास्ट से पहले अमृत महोत्सव का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित करें। आइए क्या कहा वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के महादेव कामले ने, हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ मैं निवेदन देना चाहता हूँ। मेरा नाम महादेव कामले है और मैं मुंबई के वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मुख्य कार्यालय में हूँ। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी भारत सरकार ने जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उसके ऊपर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 2022 साल है ये आजादी के 75 वर्ष का ये 22 साल 2000 है, उन्होंने नोटिफिकेशन किया है। जो भी कुछ फिल्म हो, टीवी सीरियल हो, वेब सीरीज हो या कुछ भी आप टेलीकास्ट करते हैं, प्रसारित करते हैं, उसके पहले आजादी का जो 75 साल का जो लोगो है, जो हमारे जो सिंबल है, वो उन्होंने एक वेबसाइट दिया है। यहाँ इस परिपत्र में वो लोगो दिखाना है और उसके बाद में अपना जो टेलीकास्ट है वो करना है। ये सर्कुलर हमने सभी मेंबर को भेजा है। आपसे भी निवेदन है कि ये जो आजादी का जो 75 साल का जो सेलिब्रेशन है वो अपना न्यूज हो या अन्य कोई प्रसारित का कोई मैटर हो उसमें आपको ये लोगो दिखाना है। टुडे इंडिया न्यूज ये जो चैनल है उसको देखते रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमेशा इसमें जो न्यूज आते हैं उसको देखते रहना है। टुडे इंडिया न्यूज, धन्यवाद, थैंक यू। मैं फैसल खान, क्या पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का, देश के नंबर वन न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में।